हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट फीवर। आज मैं आप लोगों के साथ एक शेयर डिस्कस करना चाहूँगा जिसका नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। इस शेयर में आज मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करी है, तो मैंने क्या क्या टेक्निकल चार्ट्स देखते हुए इन्वेस्टमेंट करी है, कहाँ मेरा बाय पॉइंट था, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस था और कहाँ मेरा टारगेट रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सो बने रहिए वीडियो में, लेट्स गो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयर ने आज 8% की तेज़ी दिखाई है। तो वो क्यों दिखाई है, कैसे दिखाई है, किस हिसाब से, मैंने इसके टेक्निकल चार्ट्स पढ़े हैं, आज मैंने इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, कैसे मैंने ब्रेकआउट जज करा है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आज 8% का इसने रिटर्न दिया है, पिछले एक साल की बात करें तो 172% रिटर्न इस शेयर ने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और मैक्सिमम की बात करें तो 1810 1810% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इसने दिया है। तो चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। सो गाइस, जैसे कि आपने ये चार्ट देख रहे हैं, मैंने चार्ट पहले से रेडी करके रखा हुआ है। आप यहाँ देखिए, इस जो 29 अप्रैल है, इस दिन का हाई है। हाई देखिए, आपको यहाँ दिखेगा तो 29 अप्रैल का हाई है 1224 रुपये, राइट। यहाँ पर भी इसने पहले एक बार आया, फिर इसको पार नहीं कर पाया। पहला रेजिस्टेंस इस दिन लिया है, सेकंड रेजिस्टेंस इसी के आसपास आया है 1218 रुपये तक, फिर वो नीचे आया है। फिर एक और बार इसने यहाँ पर, यहाँ देखिए, 25 अगस्त को, 25 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो 25 अगस्त को भी इसने 1235 के आसपास की हाई लगाई है, फिर ये नीचे आया है। फिर एक और दिन ये 30 अगस्त को गया ऊपर, फिर नीचे आया है। तो देखिए, अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, ये 5 दिन का रेजिस्टेंस उसी पॉइंट पे फेस करके दोबारा रिटर्न आ रहा है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो 29 अप्रैल से लेकर और आज 3 सितंबर हो गया है, इतना लंबा टाइम पीरियड के बाद इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो आज इसको बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जा रहा है। ब्रेकआउट किस हिसाब से अच्छा है वो देखिए आप, ब्रेकआउट की वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना एवरेज से ऊपर है। बाकी दिन कितना वॉल्यूम, कितना कम कम वॉल्यूम होता था, और आज के दिन जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो आप ये कैंडल देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर कितना अच्छा वॉल्यूम है। तो इस वजह से जब इसने इस लाइन, इस रेजिस्टेंस को पार करा था, 1235 1245 के आसपास का रेजिस्टेंस जब इसने पार करा है, तब मैंने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। हालांकि मुझे थोड़ा लेने में लेट हो गया है क्योंकि ब्रेकआउट इतना जल्दी आया कि हमें खुद पता नहीं चला। मैं आपको 5 मिनट्स पे इसका चार्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से ब्रेकआउट आया था। ये देखिए, ये है आज का चार्ट। यहाँ से आज 6 सितंबर है, आज से 9:15 की शुरुआत हुई इसने। ये देखिए कितनी लंबी, कितना लंबा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर इसने, जो ब्रेकआउट दिया है इस, ये कैंडल कितनी लंबी बनी है, सीधा इसने 1290 छुआ है, वो भी 15 मिनट के अंदर अंदर। फिर मैं गया 5 मिनट में, तो 5 मिनट में मैंने ये देखा कि हाँ यार, जब ये इसने दोबारा रिट्रेस करा है तब मैंने 1270 के आसपास एंट्री ली है यहाँ पर। फिर ये थोड़ा नीचे आया इंट्राडे में और फिर ये ऊपर चला गया। तो गाइस, इसका जो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ वो है 1450 या फिर 1500 के आसपास का, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर रहेगा 1135 पे। तो हालांकि जैसे 1135 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैंने इन्वेस्टमेंट करी है अपनी 1270 के आसपास, तो 12% का रिटर्न भी मुझे चाहिए, जैसे कि मैं 12% का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ यहाँ पर। तो 12% रिटर्न अगर आप देखेंगे 1270 से, तो 12% का रिटर्न आपका 1434 जाता है। जैसे कि मैंने टारगेट बोला कि 1500 के आसपास का इसका टारगेट है, 1450 1500 के आसपास का इसका टारगेट है। तो यहाँ पर मैं अपना 15% बुक कर लूँगा और फिर हम दूसरे शेयर्स की तरफ चलेंगे। सो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप कोई क्वेरी नहीं है, अगर जब भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।